हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हमें पढ़ना है अपना अपना जो हमें यहाँ पे कार्बन कंपाउंड है चैप्टर नंबर 9। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और ये हमारा चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड का लास्ट वाला पार्ट है। इसके पहले हमने पढ़ चुका ऑलरेडी चार जो हमारे पार्ट्स थे उनको हमने पहले ही पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि भाई कार्बन कंपाउंड क्या होता है, एग्जैक्टली कार्बन क्या होता है, कैसे बॉन्डिंग करते हैं, व्हाट इज बॉन्ड, ईच एंड एवरीथिंग हमने सीखा था। फिर हमने सेकंड वाले पार्ट्स में देखा था कि किस तरीके से हमारा मतलब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फिर थर्ड पार्ट्स में हमने सीखा कि किस तरीके से IUPAC नेमिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद IUPAC नेमिंग के बाद हमने सीख लिया था कि चौथे वाले पार्ट्स में कैसे कार्बन के कौन कौन से रिएक्शंस हैं, वो हमने सीखा था। और आज हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इथेनॉल की प्रॉपर्टियां, पॉलीमर के बारे में। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली पॉलीमर क्या है सारी चीजें सब आपको समझेंगे। ओके, सो आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो या फिर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए रहेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को जिसमें हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से कार्बन कंपाउंड हैं। तो वो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले दुनिया में जो सबसे ज्यादा हमारे इस्तेमाल होते हैं ये कार्बन कंपाउंड वही है। पहला है हमारा इथेनॉल और दूसरा है हमारा इथेनोइक एसिड। ये दोनों हमारे जो कि दोनों के दोनों कार्बन कंपाउंड है। पहला कौन सा? इथेनॉल है। दूसरा है हमारा इथेनोइक एसिड। ये दोनों कार्बन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड माने जाते हैं और ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। दोनों का अगर मैं फॉर्मूला बना के दिखाऊं आपको तो देखना ध्यान से, इथेनॉल का फॉर्मूला कैसे होता है समझना अच्छे से। H बॉन्ड C बॉन्ड H, बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H, बॉन्ड H बॉन्ड OH, दिस इज द इथेनॉल। एंड व्हाट अबाउट इथेनोइक एसिड? सो यहाँ पे बॉन्ड H, बॉन्ड H, इस तरीके से बॉन्ड H, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, दिस इज द इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। सो ये इथेनोइक एसिड है और ये है हमारा क्या, ये हमारा इथेनॉल है। अब बताओ जरा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो CH3COOH, यही है ना। देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज एसिटिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम कौन सा है? एसिटिक एसिड होता है। समझ में आया अच्छे से? तो ये बातें आपको समझ के रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, समझ गया ना। ओके फाइन, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमको ना बेसिकली इनका कमर्शियल यूज देखना है, तो लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा। आपको जान के बहुत सारी हैरानी हो जाएगी कि यार सच में इथेनॉल का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखो पहली बात तो आपको याद रखना है कि रूम टेम्परेचर में, यानी कि जो हमारा घर का टेम्परेचर रहता है, अगर नॉर्मली आप घर में इथेनॉल को रखते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अभी हम पहले इथेनॉल के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, बाद में हम इथेनोइक एसिड के बारे में जानेंगे, पहले इथेनॉल के बारे में समझते हैं। तो इथेनॉल रूम टेम्परेचर में लिक्विड कंडीशन में होता है और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस ही है। जैसे वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में डालोगे ना तो वो बॉयल होने लगता है, वैसे इथेनॉल को अगर 78 डिग्री सेल्सियस दोगे ना तो वो बॉयल होने लगेगा। समझ गया? उसके बाद ये जो इथेनॉल है, जो रियल में अल्कोहल होता है ना, दारू अल्कोहल, वही हमारा रियलिटी में अल्कोहल कहलाता है। ये इथेनॉल ही रियल अल्कोहल है, मतलब ये अल्कोहल के अंदर का स्ट्रक्चर सिर्फ यही रहता है, दिस इज द रियल अल्कोहल। और स्पिरिट, स्पिरिट मालूम है ना, जिससे हम जलाते हैं चीजों को, तो ये रियल अल्कोहल होता है हमारा इथेनॉल। ये सोचो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। और तो और गाइज, आपको मालूम है इथेनॉल ना एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। और इथेनॉल में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखो, हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं किसी के एसिडिटी को, किसी के बेसिसिटी को फाइंड करने के लिए, तो जो इथेनॉल है उस पर अगर आप डालोगे तो लिटमस पेपर में कोई चेंजेस नहीं आते, वो न्यूट्रल रहता है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक है, फिलहाल इसकी कंडीशन ऐसी है। समझ गया? अगर आप इसका एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं तो, एक्वियस मतलब जिसमें आप वाटर मिला के रखते हो, उस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर इथेनॉल में वाटर मिला के रखोगे तो इसमें अंदर न्यूट्रल रहता है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, ये बात आपको समझनी है। और तो और गाइस, आपको बता दूं जो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल होता है ना दुनिया में, ये बहुत ही हार्म करता है हेल्थ को बहुत सारे नंबर ऑफ वेज से। अगर आप अल्कोहल यानी इथेनॉल को पीते हो ना तो आपका लीवर वगैरह में प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इथेनॉल ही अल्कोहल है और इससे आपके लीवर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। अब एक अगर एक बेवड़ा मार के रख लोगे तो फिर आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल में आपके नहीं रहने वाला है। ये बातें आपको समझ कर रखनी है। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी इथेनॉल मत लेना, यानी अल्कोहल ही इथेनॉल है, उसे कभी भी नहीं लेना, वरना फिर तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसके कंट्रोल में हो जाएगा, फिर तुम दुनिया की सबसे ज्यादा इंग्लिश तुम बोलोगे। मालूम है ना फिर कितना इंग्लिश बोलते हैं बेवड़े लोग। तो वही बात आपको समझ के रखनी है। और तो और अगर इवन स्मॉल क्वांटिटी में भी तुम अगर प्योर इथेनॉल को लेते हो ना, तो समझ लेना कि वो एक एब्सोल्यूट अल्कोहल ही है।
मतलब अगर आप इथेनॉल, प्योर इथेनॉल अगर आप पीते हो तो वो प्योर अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल ही इथेनॉल है, ये बात आपको समझना है। और तो और अल्कोहल जो होता है ना उसका दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, रियलिटी में अल्कोहल एक दवाई ही है, एक नेचुरल दवाई है, लेकिन हम उसको ज्यादा ले लेते हैं जिससे कि हमको फिर एकदम धूम बराबर झूम शराबी हो जाता है, ठीक है। सो ये बात तुमको समझ के रखनी है। तो रियलिटी में एक दवा है, जस्ट हम उसको कफ में मिक्सचर के फॉर्म में या टॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। टिंचर जो होता है ना, किसी में घाव लग गया तो टिंचर लगाते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये रियलिटी में दवाई का काम करता है, लेकिन ज्यादा ले लोगे तो फिर आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल में हो जाएगा, उसके कंट्रोल में, और फिर आप ऐसे ऐसे झूमने लगोगे। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये है इथेनॉल की सारी प्रॉपर्टियां। सो किसी ने पूछा व्हाट इज इथेनॉल, तो इथेनॉल इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल, इट इज हैविंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज लिक्विड, इट इज इन द लिक्विड कंडीशन एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिर और तो और अगर आप कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल करते हो तो आपका फिजिकल प्रॉब्लम में, आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी में आपकी प्रॉब्लम आएगी, यानी पूरी बॉडी में आपके प्रॉब्लम आ जाएगी, और तो और आपका नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर लेता है ये। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, इथेनॉल के बारे में। अब हम जानते हैं इथेनॉइक एसिड के बारे में, पहले समझते हैं, फिर हम आएंगे इथेनॉल के थोड़ा प्रॉपर्टियों के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम पहले इथेनॉइक एसिड के बारे में समझते हैं एग्जैक्टली, भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो जैसे इथेनॉइक एसिड है, ये पहली बात तो कलरलेस होता है, देयर इज नो कलर फॉर द इथेनॉइक एसिड, या एसिटिक एसिड भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। इथेनॉइक एसिड के तीन नाम होते हैं, तीनों नाम आपको मैं अभी बताऊंगा। तो इथेनॉइक एसिड पहली बात तो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 118 डिग्री सेल्सियस हमारे इथेनॉइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बात आपको समझनी है। और तो और इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, यानी कि जो CH3COOH है, यही है इथेनॉइक एसिड, ये फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला, और यही है हमारा इसका एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और एक और नाम है इसका, इसका एक और नाम है ग्लैसियल एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एक और ग्लैसियल एसिटिक एसिड भी इसका नाम है, ये बात आपको अच्छे से समझ कर रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉइक एसिड का दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, यानी प्रिजर्वेशन करने में, पिकल्स वगैरह होते हैं ना, विनेगर प्रोडक्शन में, विनेगर बनाने के लिए, चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इथेनॉइक के बारे में। सो विनेगर प्रोडक्शन में भी इथेनॉइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड जिसका नाम है उसका इस्तेमाल हम वहां भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा इस्तेमाल होता है इथेनॉइक एसिड में, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम इथेनॉल में वापस से आते हैं, हमने इथेनॉल की प्रॉपर्टियों के बारे में जान लिया, इथेनॉल क्या है, क्या काम करता है, कितना उसका यूजेस है, ये सब हमने पढ़ लिया। नाउ अभी हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, बहुत आसान है, डरने का नहीं, सब बताऊंगा एकदम लाइन से, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो इथेनॉल से आप इथॉक्साइड बना सकते हो, पहली बात तो ये है। अब देखो आप ये रिएक्शन कैसे करोगे, अगर आपके सामने मान लो एक इथेनॉल है, अब देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बार लिख के दिखाता हूँ, फिर आप अपने आप सब समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार मैं आपके सामने यहाँ पे इथेनॉल लिखता हूँ, दिस इज द इथेनॉल, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, CH3 bond CH2 bond OH, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो एक कार्बन यहाँ पे सी आ गया, फिर उसके बगल में 3H है, फिर एक बॉन्ड है ना, फिर एक सी है, फिर 2H और एक OH अटैच है, दिस इज द इथेनॉल, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब अगर इसमें मैं सोडियम डालता हूँ, ठीक है, अब देखो मैं इसमें दो दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम डालूंगा, कितने मॉलिक्यूल डालूंगा सोडियम के, मैं इसमें दो दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम डालने वाला हूँ, ये बातें आपको समझ कर रखनी, देखना कितना आसानी से आप सारी चीजें समझ में जाओगे, ठीक है। देखो CH3CH2 bond OH लिखा है, फिर एक बार और लिखा है CH3 bond CH2 bond OH लिखा है। अब ध्यान देना यहाँ पे Na कितने बार यूज किया, दो बार Na यूज किया। देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और इसको मैंने ऐसे अलग अलग लिख दिया। अब देखो क्या होएगा, यहां से H निकाल दो और यहां से भी H निकाल दो और उसकी जगह में यहाँ पे Na डाल दो और यहाँ पर भी Na डाल दो, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा CH3 CH2 bond O Na, ठीक है। और यहाँ क्या मिल जाएगा, CH3 bond CH2 bond O Na मिल गया ना दो टाइम, देखो यहाँ पे दो बार लिख दिया CH3 CH2 bond O Na, है ना। और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन निकला था ना, ये हाइड्रोजन तो ये दोनों के दोनों बाहर निकल गए, दिस इज द सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम याद कर लो आप लोग, इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड है। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो, समझ गया अच्छे से। तो बस आपको ऐसे ही इसे करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको हाइड्रोजन निकालना है, सोडियम डालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी एक और रिएक्शन देख लो इसी का, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब देखो डिहाइड्रेशन का मतलब समझो, डीई का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रेशन मतलब पानी, यानी वाटर को रिमूव करना है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम वाटर रिमूव करेंगे। देखो व्हाट इज दिस, दिस इज द इथेनॉल,
इसमें से मुझे वाटर निकालना है तो मुझे उसके लिए एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो H2SO4 एक एसिड होता है और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये रिएक्शन करना पड़ता है। अगर आप इथेनॉल को 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर आप उसमें H2SO4 डालते हो तो उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर रिलीज हो जाता है। ये रिएक्शन आप 12वीं में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीजें बाहर निकल जाती हैं। देखो क्या रहेगा, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो इसमें से कैसे हम करेंगे, इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा जिससे कि आपको समझ जाए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? यस, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। देखो मैंने आप इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, एक हाइड्रोजन, अब ध्यान समझना अच्छे से, बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से OH निकाल लिया और इस वाले कार्बन से H निकाल लिया। अब दोनों को जब यहां से निकाल दूंगा तो क्या होएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और यहां का ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों यहां पे आ जाएगा ना। देखो अच्छा चलो मैं आपको और अच्छे से बताता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, अभी आपको समझ गया होगा, वो OH को उधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है ना, इस चीज को ऐसे बना दिया मैंने। अब यहां से H2O बाहर निकाल दो तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे दोनों आ जाएंगे और ऐसा बॉन्ड बनाएंगे, दिस इज द इथीन, ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहां पे। समझ आएगा नहीं समझ गया? तो यही है हमारा डिहाइड्रेशन, जिसमें से हमारा वाटर बाहर निकलता हो, वाटर को हम एलिमिनेट करते हैं। सो दिस इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन, समझ गया, जो कि 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है। ठीक है, बस इतना ही हमें समझना था और कुछ नहीं समझना था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड देखते हैं, जो कि हमारा क्लासियल एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड है। चलो तो पहला क्या है, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ हम इसका पहले रिएक्शन करते हैं। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर रिएक्शन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने क्लास चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है, क्लास 9th में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो NaOH स्ट्रॉन्ग हमारा ये बेस होता है और ये हमारा एक एसिड है। अगर आप इस इथेनॉइक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं तो देखो हमें ये मिलता है, सोडियम का सॉल्ट मिलता है, दिस इज द सोडियम सॉल्ट, इस सॉल्ट है सोडियम सॉल्ट और ये हमारा वाटर है। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग किसी भी एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हो, किससे करते हो, एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हो, तो आपको मिलता है सोडियम सॉल्ट। क्या मिलता है आपको? सोडियम सॉल्ट मिलता है। ये बातें आपको अच्छे से समझ कर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप कभी भी इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड एक ही बात होती है उसको अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करोगे तो आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, इतना आपको दिमाग में अपने बिठा लेना है। ठीक है, समझ गया ना अच्छे से, कोई डाउट यहाँ पे? नो डाउट, एग्जाम में अगर आएगा तो 3 मार्क्स को आएगा ये। ओके चलो एक और दिखाता हूं, अगर आप एक स्टेरिफिकेशन कर लो, स्टेरिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, व्हाट इज ईस्टर? बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ ऐसा, दिस इज दी फंक्शनल ग्रुप फॉर ईस्टर, बताया था ना स्टार्टिंग में वीडियो नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 इस चैप्टर का ईस्टर के बारे में बताया अच्छे से, यहां बोलने का नहीं। ठीक है, तो ईस्टर का ये फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि एल्डिहाइड का बॉन्ड यहां पे H होता है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड OH हमारे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, बॉन्ड OH हमारे अल्कोहल का होता है, वैसे ईस्टर का ये रहता है। अब यही हमें बनाना है, तो अगर हम इथेनॉइक एसिड में इथेनॉल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं इथेनॉइक एसिड में? इथेनॉल, तो हमें मिलता है इथाइल इथानोएट विच इज ईस्टर। अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यही चीज लिखी हुई है। अब देखो ये क्या है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर ईस्टर, है ना ये ईस्टर, समझा? तो आपकी बुक में इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये ऐसा कंडेंस फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, रियलिटी में ये ऐसा है, समझा कि नहीं समझा? ये मैंने आपको बता रहा हूं यहां पे, समझ गया? अब आप बोलोगे ये बना कैसे एग्जैक्टली भाई, कैसे इसका आपने फॉर्मेशन किया? तो स्टेरिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब देखो मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे ये क्रिएट किया हम लोगों ने। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, हम सब कुछ लाइन टू लाइन समझने वाले। अभी देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, देखो ये हमारा इथेनॉइक एसिड है, प्लस हमने इसमें क्या किया, अभी देखो और समझो अच्छे से। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या करूंगा यहाँ पे समझने का, यहां से H निकाला और ये यहां से OH निकाला और ये देखो वाटर को साइड में कर दूंगा तो ये यहां पे आके बॉन्डेड हो जाएगा ना। देखो तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड यहां पे O और ये CH2 बॉन्ड CH3 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और यही तो ये फॉर्मूला है, यही ये लिखा है, देख लो एक बार, गिन लो कार्बन हाइड्रोजन, समझा कि नहीं समझा? इस देखो ये वहां पे वाटर भी निकल गया, दिस इज द वाटर, समझ गया अच्छे से? तो इस तरीके से ये स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन हुआ है,
ऐसे आपको समझ कर चलना है, समझ गया ना। तो दिस इज दिस टेरिफिकेशन, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है किसका, इथेनोइक एसिड का। तो आपको इस तरीके से इसे याद रखना है, ओके। चलो ऐसे आप यहां पे देख लो, देखो वही चीज है, अगर आप ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से डालते तो आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलेगा। तो आप चाहो तो ये याद करना चाहो तो कर लो, वरना छोड़ दो, इसको तो एग्जाम में आने भी नहीं वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस पॉलीमर के बारे में, व्हाट इज पॉलीमर, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ पॉलीमर के बारे में अभी हम समझने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, सपोज हमारे पास ये एक वॉल है, ध्यान देना अच्छे से, वॉल है, दिस इज दी वॉल। आप पहले पॉलीमर के बारे में समझ जाओगे ना, फिर सब समझ जाओगे, ठीक है। और इस वॉल में ना ब्रिक्स लगी हुई है, क्या लगी हुई है, वॉल में ब्रिक्स लगी हुई है ना, तुम भी जानते हो वॉल में ब्रिक्स लगी होती है ना, ब्रिक्स ईंटें। अब देखो मान लो सपोज है दिस इज दी फर्स्ट ब्रिक्स, हमारी पहली ब्रिक्स है, ये क्या है, पहली ब्रिक्स है, ठीक है। चलो ध्यान देना, ये पूरी जो वॉल है ये कैसे बनी है, छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी है, समझा। दुनिया में पॉलीमर क्या होता है वही आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो तो हमारी वॉल किससे बनी है, छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी हुई है, बड़ी सी वॉल बन गई, छोटे छोटे ईंटों को मिला करके एक बड़ी सी दीवार बन गई, समझ गया। तो अब समझना यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे अपने पॉलीमर को समझने के लिए, पॉलीमर यही हमारा टॉपिक है, ध्यान देना। मर मींस होता है फॉर्म, क्या होता है, फॉर्म और पार्ट, समझ गया, और स्ट्रक्चर, क्या होता है, स्ट्रक्चर, कुछ भी कह सकते हो। पॉली मतलब होता है मेनी, मतलब कि बहुत सारे, मेनी बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्म्स या छोटे छोटे किसी चीज के पार्ट एक साथ कंबाइन होके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। समझ में आई मेरी बातें, व्हाट इज पॉलीमर, यानी कि दिस वॉल इज नथिंग बट पॉलीमर। अगर मैं यहां पे एग्जांपल की बात कर रहा हूं जो मैं, तो ये वॉल हमारा पॉलीमर है, और ये किससे बना है, ये छोटे छोटे ब्रिक्स से बना है, यानी ब्रिक्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, एक छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, जिससे हमारा बड़ा सा पॉलीमर क्रिएट हुआ है। समझा एग्जांपल पॉलीमर कैसे आता है, अब देखो रियलिटी में, यानी कि यार जो छोटी छोटी ये चीजें कंबाइन होती है ना, इन्हें हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं इन्हें हम, मोनोमर। Why? मर मींस होता है फॉर्म से स्ट्रक्चर, और मोनो मतलब सिंगल, यानी कि एक छोटा छोटा सिंगल स्ट्रक्चर कंबाइन हो करके बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारी ब्रिक्स कंबाइन होकर वॉल बनाती हैं। तो ये हमारा एक पॉलीमर है, समझ गया अच्छे से, व्हाट इज पॉलीमर, एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर जिसे हम मोनोमर कहते हैं, वो कंबाइन होके पॉलीमर बनाता है। सो दिस इज द पॉलीमर एंड दिस इज द मोनोमर। तो जो कंबाइन होता है वो कौन है, जो कंबाइन होता है वो मोनोमर है, और जो बनता है कंबाइन होने के बाद वो कौन है, वो है पॉलीमर। समझ गया अच्छे से, तो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में अपने बिठाकर रखनी है, ओके फाइन। सो फाइनली आपको अच्छे से समझ चुका है कि व्हाट इज मोनोमर, व्हाट इज पॉलीमर, ग्रेट, ओके फाइन, क्लियरली समझ गया अच्छे से, कोई डाउट आप लोगों को, नो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया। अब देखो हमारा दुनिया में एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल पॉलीइथीन, आपने पॉलीइथीन का नाम सुना होगा, ठीक है। फिर आपने ऐसे बहुत सारे चीजें दुनिया में जो है आज पॉलीमर से बनती है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इथीन और पॉली, इथीन जानते हो ना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। रियलिटी में पॉलीइथीन जो हम बोलते हैं पॉलीथीन, वो केमिकल नाम है, प्लास्टिक का केमिकल नाम पॉलीथीन है, और हम सब केमिकल नाम ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पॉलीथीन क्या है, केमिकल नाम है किसका, प्लास्टिक का केमिकल नाम है पॉलीथीन, ये बात आपको अच्छे से समझ कर रखनी है, ठीक है। पॉली मतलब मेनी, बहुत सारा, एग्जैक्टली पॉलीथीन की बात करूं तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है, ठीक है। और इस पॉलीमर का, इस पॉलीथीन नाम का जो पॉली, बड़ा सा पॉलीथीन किससे बनता है, पॉलीथीन किससे बनता है, ये छोटे छोटे मोनोमर से बनता है, किससे बनता है, मोनोमर। और वो मोनोमर कौन है, यहाँ पे वो मोनोमर इथीन है, यानी वो इथीन कंबाइन हो करके हमारा बड़ा सा प्लास्टिक बनाता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीइथीन, यानी पॉलीथीन हमारा पॉलीमर है, समझ गया अच्छे से। और जिससे ये पॉलीमर जो बना है हमारा पॉलीथीन, जिससे भी ये बना है, वो हमारा मोनोमर है, यानी इथीन हमारा क्या है, ये इथीन हमारा मोनोमर है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा पॉलीथीन क्या है, ये पॉलीमर है, ठीक है, जो प्लास्टिक रियलिटी में बन जाती है बड़ी सी, समझ गया। तो आई थिंक आपको पूरा पॉलीमर और मोनोमर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फिर भी हम दुनिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल है उनके बारे में समझते हैं, जिसे पहला है हमारा नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैक्रो और मॉलिक्यूल, देखो मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, मैक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज,
ठीक है, और मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल वो भी नेचुरल, जो नेचर में पाया जाता हो, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो नेचर में पाए जाते हों। फॉर एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में जानते हो ना क्या होता है, सुगर होता है, छोटे छोटे सैकेराइड्स सुगर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहता है हमारा ये पॉलीसेकेराइड। हम रोटियां खाते हैं ना, जो रोटियों से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वही सैकेराइड बनाता है, सुगर, सुगर सैकेराइड होता है सुगर, ठीक है, सैकेराइड सुगर होता है, और सुगर कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है, हर सुगर कार्बोहाइड्रेट है, ये समझ के रखना अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होने का, हर सुगर कार्बोहाइड्रेट है और सैकेराइड भी सुगर ही है, नाम सब अलग अलग है, काम एक ही है, ठीक है। बट पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉली मतलब मेनी, छोटे छोटे सैकेराइड बहुत सारे कंबाइन हो गए तो बन गया पॉलीसेकेराइड, यानी पॉलीसेकेराइड को हम और क्या कह सकते हैं, पॉलीमर भी कह सकते हैं, और छोटा छोटा जो हमारा सैकेराइड है वो हमारा मोनोमर है, समझ गया। ऐसे ही हमारे प्रोटीन, ऐसे न्यूक्लिक एसिड, ऐसे हमारे बहुत सारे लिविंग वर्ड में सपोर्टिंग पिलर्स होती हैं। अगर हमारे बॉडी से पॉलीसेकेराइड जीरो हो जाए तो मैं इसी वक्त गिर जाऊंगा नीचे, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट ही तो हमारी एनर्जी कहलाती है, समझ में आई मेरी बातें, तो यही हमारी एनर्जी होती है माय डियर, ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है। सो पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट, हमें वही चाहिए होता है, और ये बहुत बड़े नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब किसी इंसान ने नहीं बनाया इन्हें, नेचुरली प्लांट्स में, हम इंसानों के अंदर, या किसी और चावल में, गेहूं में, यानी आटे में, रोटियों में, इन सब में होता है ये, समझ गया। तो ये बातें आपको अच्छे समझ के रखनी, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड की बात है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड ही हमारा डीएनए आरएनए होता है, क्या बोलते हैं उसको, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए आरएनए का यही नाम होता है ना। तो ये बातें आपको अच्छे समझ कर रखनी है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम भी इन्हीं का होता है। तो आपको नेचुरल पॉलीसेकेराइड यानी नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में समझ चुका है, जैसे रबर वगैरह भी है बहुत सारे, तो ऐसे बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल। अब मैन मेड कौन से मैक्रोमोलिक्यूल, उनके बारे में जानते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, लेबोरेटरी बहुत सारी आई, बहुत सारी फैक्ट्रीज आ गई, तो हमने बहुत सारी चीजें बनाई। देखो वो रबर मिटाने वाला रबर आता है, रबर ये भी एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, रबर छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कंबाइन करके एक बड़ा सा रबर बनता है, तो हम रबर को कहते हैं पॉलीमर, ये रबर हमारा पॉलीमर है, और जो छोटा छोटा कंबाइन हुआ उसे हम कहते हैं मोनोमर, मतलब सिंगल स्ट्रक्चर, पॉलीमर मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, वही छोटे छोटे स्ट्रक्चर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। तो दुनिया में सब कुछ पॉलीमर है, सब कुछ मोनोमर है, हमारी भी बॉडी तो सेल से बनती है, तो सेल हमारा मोनोमर है और हमारी पूरी बॉडी पॉलीमर है, समझ आएगी नहीं, समझ गया। तो यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है, ओके। तो रबर हमारा मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, लार्ज, बड़ा मॉलिक्यूल, तो रबर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, समझ के रखना अच्छे से। अगर आप रबर का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, आप 12th में सीखोगे, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल फाइबर कॉटन है, वूल, सिल्क, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे प्लास्टिक्स है जो इन्यूमरेबल टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे पाइप हो गया है ना, पाइप या फिर कोटिंग के लिए हम बहुत सारी चीजें मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो कि एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर वाले होते हैं, पॉलीमेरिक मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज पॉलीमर एग्जैक्टली, तो अब यहां पे समझना, ए मैक्रोमोलिक्यूल यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ये बनता है बाय अ रेगुलर रिपीटिशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड द पॉलीमर। समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूं, देखो मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल है छोटे छोटे ब्रिक्स, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे ब्रिक्स को मैं एक साथ क्या कर रहा हूं, रेगुलरली इनको रिपीट कर रहा हूं, मतलब रेगुलरली इनको मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, समझ रहे मेरी बातों को, ऐसे मैं एक साथ इनको डिजाइन करके रेगुलरली रिपीट करके इनको रख रहा हूँ साथ में। अब इससे जो भी बड़ा सा मुझे ये बन के मिलेगा, ऐसे करते करते बड़ा सा देखो मुझे कुछ तो मिलेगा ना बाद में बन के, ये मेरा कहलाएगा पॉलीमर, समझ गया अच्छे से। और ये जो रिपीटिंग यूनिट था इसे हम कहेंगे मोनोमर। तो मोनोमर क्या होता है, ये हमारा होता है रिपीटिंग यूनिट, ये जो बार बार रिपीट होता है। अब एक बड़ी सी दीवार में बार बार कौन सेम टू सेम चीज रखी होती है, ब्रिक्स, एक बार ब्रिक्स से बार बार रिपीट करते ना उसको हम बार बार रखने के लिए, तो रिपीटिंग यूनिट कौन है, मोनोमर होता है, रिपीटिंग यूनिट कौन होता है, मोनोमर। और जब बन जाती है बड़ी सी चीज उसी को हम कहते हैं पॉलीमर, समझ गया। तो मोनोमर से ही पॉलीमर बनता है, जैसे छोटे छोटे गांवों को मिला के शहर बनता है, वैसे ही हमारा छोटे छोटे ब्रिक्स को या छोटे छोटे यूनिट को मिला करके बड़ा सा पॉलीमर बनता है, समझ गया। और ये को आगे वो लिखा भी है, वही रिपीटिंग यूनिट हमारा मोनोमर कहलाता है, ठीक है। लेकिन गाइस इस प्रोसेस को कहते क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, समझ रहे ना, मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर को कहते क्या है हम लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन,
क्या कहते हैं हम इसे, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, पढ़ लो इसको अच्छे से, इट इज पॉलीमराइजेशन। मतलब कि जैसे कि मान लो, जैसे हम पॉलीथीन मान लो बनाते हैं, ठीक है, सपोज दैट पॉलीथीन बनाते हैं, तो छोटी छोटी इथीन को हम एक साथ कंबाइन करते हैं ना, छोटे छोटे इथीन हमारे एक साथ कंबाइन होते हैं ना, तो ये छोटे छोटे इथीन हमारे एक साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर बड़ा सा पॉलीथीन बनाते हैं। तो ये कौन से प्रोसेस से पॉलीथीन हमारा पॉलीमर का क्रिएशन हुआ, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। आपको दिखाता हूं यहां पे, देखो देखो, दिस इज द इथीन, फिर ऐसे एक और इथीन, फिर एक ऐसे और एक इथीन, आगे डॉट डॉट डाल दिया है, ऐसे बहुत सारे इथीन। अब देखो ऐसे हजारों करोड़ नंबर ऑफ इथीन कंबाइन होंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब यहां पे मैं ब्रैकेट लगा करके और यहां पे n लिख सकता हूं, y n, बिकॉज यहां पे और भी बहुत सारे आके ऐड हो सकते हैं इनके ही जैसा। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज दी पॉलीथीन, ठीक है, ये देखो पॉलीथाइलिन भी कह सकते हो, दिस इज दी पॉलीथीन या इथाइलिन, समझ गया, पॉलीथिलिन ऐसे भी पढ़ सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीमराइजेशन होता है। व्हाट इज, कितना सिंपल चिंदी ना यार, पॉलीमराइजेशन मतलब क्या है कि जो भी हमारे छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होकर बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सो दिस द फॉर्मेशन, और फिर हमारा पॉलीमर बनता है। So this is the formation of polymer is nothing but polymerization. The process of formation of polymer is nothing but polymerization. Clearly समझ गया, कोई doubt किसी को भी, जल्दी बोलो किसी को भी कोई doubt है क्या? So the formation of polymer by addition of small units of repeating units is nothing but मतलब polymerization. मतलब जब हमारे छोटे छोटे monomer एक साथ repeating unit जो होते हैं एक साथ combine होके बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर, तो इसी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है, बाय कंबाइनिंग द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, यही बात समझनी। मतलब छोटे छोटे मोनोमर कंबाइन होकर के पॉलीमर बनाते हैं और इसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नथिंग बट पॉलीमराइजेशन। बट इसमें कौन सी चीजें कंबाइन होती है, तो मोनोमर कंबाइन होता है, जिसे हम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कहते हैं, जिसे हम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। यहाँ पे इथीन हमारा स्मॉल रिपीटिंग यूनिट है, समझ गया ना अच्छे से। तो यही बातें आपको अच्छे से क्लियरली समझनी है। अब ऐसा दुनिया में बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट होती हैं, एक दो नहीं है, आपको इनमें से बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। चलो दिखाता हूं आपको कितने सारे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था कैरी बैग्स है, स्पोर्ट्स में पहनने वाले जो वियर्स होते हैं ना कपड़े, जैसे कि अभी देखो ये मेरा नायलॉन का फिलहाल नहीं है, ये कॉटन का है, बट अभी जैसे कि देखो नायलॉन के कपड़े आते हैं स्पोर्ट्स में हम लोग खेलते हैं, तो वो सब के सब ये कहां से बनते हैं, पॉलीथिलीन से, यानी कि पॉलीथिलीन ही होता है वो। बट ये पॉलीथिलीन तो पॉलीमर हो गया ना, देखो अब यहाँ पे इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीथिलीन। देखो पहले एक इथिलीन, सिंगल इथिलीन कंबाइन हो रहा था, जब कंबाइन हो गया तो ये बन गया पॉलीथिलीन। पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे पॉलीथिलीन, पॉलीथिलीन मतलब बहुत सारे इथिलीन, समझ गया, पॉलीथिलीन मतलब बहुत सारे इथिलीन, समझ गया, और एक सिंगल इथिलीन मतलब सिंगल मोनोमर। तो यहाँ पे देखो, तो जो पॉली इथिलीन है ये हमारा एक सिंगल इथिलीन, मतलब कि हमारे बहुत ज्यादा बड़े बड़े पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे इथिलीन कंबाइन होके ये पॉली इथिलीन बनाते हैं, समझ गया। तो फिर कौन कंबाइन हुआ, तो देखो इथिलीन कंबाइन हुआ, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो कंबाइन होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे एन लगाया मतलब समझता है ना, और भी आके ये सी और आके अटैच हो सकता है, कितना भी यूज कहा है, कैरी बैग्स में आगे पॉलीस्टायरीन। अब देखो ये पॉलीस्टायरीन मतलब ये एक पॉलीमर है, तो किससे कंबाइन हो रहेगा, स्टायरीन से कंबाइन हो रहेगा, मतलब स्टायरीन कंबाइन होकर पॉलीस्टायरीन बनाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है रियलिटी में इसका, जब पॉलीस्टायरीन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ऐसे थर्माकोल जो बनता है वो पॉलीस्टायरीन से बनता है, ऐसे पीवीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये किससे बनेगा, विनाइल क्लोराइड से, पॉली लगा दिया मतलब पॉलीमर, कुछ नहीं लगाया मतलब मोनोमर। तो देखो ये है हमारे विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, रियलिटी में एफ ए दिखता है, एन लगाते जाने का, और ये बनता है पाइप बनाने में, हॉस्पिटल की किट्स हो गई पॉली, मतलब हमारा पीवीसी पाइप्स बनाने में, डोरमैट्स है, ट्यूब बनाने में, ये सब पॉली एक्रिलोनाइट्राइड, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन आपने पढ़ा रहेगा कहाँ पे, नौवीं में, नाइन्थ में। तो टेफ्लॉन का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो हमारे कुकर का वो ब्लैक कलर का लगाते हैं ना हम लोग, ब्लैक कलर का लगाते हैं ना वो, जिसमें से हमारा करंट वगैरह कुछ पास नहीं होता है,
तो कुकर का पकड़ने वाला जो ब्लैक रहता है वो टेफ्लॉन से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा है फॉर्मूला पॉलीमर ऑफ टेफ्लॉन, और इससे नॉन स्टिक कुकवेयर है ना, यही बात ध्यान रखना। जिसमें कितना भी टेम्परेचर दे दो ये प्लास्टिक चिपकता ही नहीं टेम्परेचर में। अभी कोको कोला का डब्बा उठाओ और पानी गर्म कर दो उसको, तो चिपक के पानी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो कुकर में लगा होता है वो नहीं चिपकता है, ठीक है। चलो ये ऐसा प्लास्टिक होता ही है। फिर ऐसे पॉलीप्रोपाइलिन, तो ये पॉलीप्रोपाइलिन ही रहता है, मतलब प्रोपाइलिन से बनेगा। और ये कंबाइन होकर देखो बनेगा, इंजेक्शन की सिरिंजेस है, फर्नीचर है, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो जोच के रखो अच्छे से। चलो और भी ऐसे बहुत सारे, नहीं ये तो आर्टिफिशियल थे, अभी हमने देखा ये सब आर्टिफिशियल है, हम मैन मेड है, हम सब अपने हाथों से बनाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस नेचुरल वाले में, तो देखो जैसे कि हमारे स्टार्च है, अब हमारी बॉडी में स्टार्च प्रेजेंट रहता है ना, हम कार्बोहाइड्रेट ये भी होता है। देखो देखो कार्बोहाइड्रेट चीजें कौन कौन सी है, देखो आपको बताता हूँ, आज आपको बता ही देता हूँ। देखो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा होता है जानते हो? कार्बोहाइड्रेट में हमारा ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट में हमारा गैलेक्टोज है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हमारा लैक्टोज है, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। फिर ऐसे हमारा फ्रक्टोज है, ठीक है, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट है। हमारे जितने भी पेंटोज शुगर हैं, पेंटोज शुगर यानी कि सैकेराइड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा स्टार्च है, स्टार्च भी हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ऐसे आप बहुत सारे आगे पढ़ो, कितने सारे बताऊं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारी बॉडी में, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। इवन सारा जो शुगर कोन में शुगर मिलता है ना, वो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है। ऐसी प्रोटीन में बहुत सारे प्रोटीन है, कितना बताऊंगा, ठीक है। देखो तो हमारा पॉलीसेक्राइड किससे बनता है, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होते हैं ना, तो हमारा बनता है पॉलीसेक्राइड। ग्लूकोज रियल में शुगर ही होता है, ये मीठा होता है ना, जो मीठा है वो शुगर है, ठीक है। ये बात, ये मिठाई की दुकान में बिक जाता है मालूम है ना, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ये छोटे छोटे मोनोमर होते हैं। ग्लूकोज कंबाइन होके जब बड़ा, जब भी जब कंबाइन होगा तो कुछ बड़ा बन जाएगा, और जब भी हमारा कुछ नया बड़ा बनेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलीसेक्राइड कहलाएगा। ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है, ठीक है। इसी को हम स्टार्च भी कह सकते हैं। ऐसे ही हमारा जब ग्लूकोज कंबाइन हो जाए तो हमारा सेलुलोज भी बनता है, जो कि वुड में होता है। प्लांट्स का जो हमारा, मतलब प्लांट्स में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है वो ग्लूकोज सेलुलोज ही रहता है। फिर ऐसे अल्फा अमाइनो एसिड है। अब देखो आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटरी में सिखाया है, साइंस 2 में, कि अल्फा अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड अगर कंबाइन होता है तो हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है। आपने सीखा भी था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, अभी हम आगे और पढ़ेंगे भी। तो प्रोटीन हमारा जो है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, जो कि मसल्स में, हेयर्स में, एंजाइम्स में, स्किन में प्रेजेंट रहता है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड का, आपने अपने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन का नाम पढ़ा होगा। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर डीएनए बनाते हैं, जो कि हमारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहता है, एनिमल्स की या हमारे कहीं पर भी। फिर ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो हमारा होता है वो आरएनए में भी होता है। ऐसे आइसोप्रिन जो है वो रबर बनाने में हेल्प करता है, रबर तो फिलहाल आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो आइसोप्रिन जो है, आइसोप्रिन नाम का मोनोमर, ये रबर बनाने में हेल्प करता है, ये 12वीं में आप पढ़ोगे। जो लैटेक्स ऑफ द रबर ट्री, तो ये भी फिलहाल नेचुरल ही हो गया। रबर दो टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल। जो लैटेक्स वाला है वो हमारे बॉडी में नहीं रहता, वो प्लांट में रहता है। और नॉर्मल रबर जो मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाला हमारा कौन सा होता है, वो नॉर्मल, मतलब आप जानते हो ना, वो तो आर्टिफिशियल होता है, वो रबर है, ठीक है, ऐसा आपको समझ के रखना है। तो दीज आर दी हमारा पूरा पॉलीमर का टॉपिक। तो आज हमने पूरा पॉलीमर पढ़ के खत्म कर दिया माय डियर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज से हमारा पूरा कार्बन कंपाउंड, और मैंने स्पेस मिशन तो पहले ही पढ़ा दिया है। तो आपको गाइज, मैंने आप लोग के लिए, आपको मालूम, मैंने पूरा साइंस 1 एक बार पढ़ा चुका था, फिर से मैंने पूरा साइंस 1 वापस से पढ़ाया था। तो स्टार्टिंग से पूरा डीप कॉन्सेप्ट के साथ और डीप में मैंने पढ़ाया था, मतलब अभी वापस नया वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, स्पेस मिशन भी मैंने डाल दिया है, आज हमारा कार्बन कंपाउंड भी खत्म। और इस तरीके से हमारे चैनल में दो दो वीडियो सारे चैप्टर की अवेलेबल है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। न्यू वाली वीडियोस हैं जिसमें मैंने फेस दिखा के सारी चीजें आपको कवर की है, और अच्छे से आपको बार बार वॉच करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पूरी वीडियो की, साइंस 1 कंप्लीट, ऐसा वीडियो का पहला ही लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करके आप मस्त वॉच करो। लाइन से नया वीडियो आपको पूरा मिला है, न्यू वीडियो है, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वाले ऐसी साइंस 2 वाले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय बाय, हमारा साइंस 1 खत्म। तुम्हारा कितना पढ़ के हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। सो बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।